आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि मलाई से जो है ढेर सारा मक्खन किस तरह से निकाला जाता है, और जब मक्खन निकल जाता है तो उसके दूध से जो है पनीर कैसे निकालते हैं, और ढेर सारा जो है घी किस तरह से निकाला जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। मैं अरुणा गुप्ता, अरुणा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बनाना। तो मलाई से मक्खन और घी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 3 डिब्बे जो है मलाई के ले लिए हैं। ये मैंने स्टोर करके जो है फ्रीजर में रख दी थी। देखिए अभी तक इतने हार्ड है पूरी, जैसे फिर ये खराब नहीं होती हमारी, चाहे आप महीना भर भी रख लें ना, 2 महीने भी रख लें इस तरह से, तो ये खराब नहीं होती। अब जैसे ये इतनी सख्त है तो इसको हम 4-5 घंटे के लिए गर्मी में रख लेंगे, मतलब धूप में रख लें आप, या ओवरनाइट बाहर रख लें इसको। तो मैं इसको जैसे धूप में रख दूंगी तो 5 के घंटे के बाद थोड़ा सा ये फिर पिघल सी जाएगी, उसके बाद हम मक्खन निकालेंगे। अब धूप में रखने के बाद ये हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है मलाई। अब इसको एक बड़े पतीले में निकाल देंगे, क्योंकि हम इसको हाथ से फेंट के बताएंगे कि मक्खन हाथ से किस तरह से निकलता है। तो सारी मलाई को हम डाल देंगे, क्योंकि ये मलाई काफ़ी ज़्यादा है ये। अब सारी मलाई मैंने डाल दी। अब थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर हम इसमें डाल देंगे, जैसे जो साइड में भी रही हुई है वो भी निकल जाएगी, जैसे इसमें लगी हुई है जो मलाई वो भी सारी निकल जाएगी फिर इससे। तो अभी थोड़ा सा इस तरह से करके और गुनगुना पानी इसमें डाल देंगे, इससे फिर हमारे को फेंटने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब मलाई सारी डाल दी, अब इसको हम इस तरह से फेंटते जाएंगे इसको, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हमारे को थोड़ी बड़ी करछी के साथ ही फेंटना पड़ेगी। देखिए जैसे जैसे फेंटते जा रहे हैं वैसे ये बिल्कुल पिघलती जा रही है। देखिए 2 मिनट फेंटने के बाद हमारा टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है, जैसे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो गया ये। देखिए तो इसको हम फेंटते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई है ना, तब जैसे मिक्सी में भी निकालनी हो तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ी थोड़ी करके डालना पड़ेगी। जब इस तरह से हम निकालते हैं तो फिर एक ही बार में हमारा सारा मक्खन बन जाता है। देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से हुआ है। देखिए 5 मिनट बाद जो है मलाई हमारी इस तरह से होगी, थोड़ा थोड़ा जो है मतलब दूध जो है साइड से निकल रहा है अब हमारे इससे। तो जब तक पूरा दूध ना निकल जाए तब तक हम इसको फेंटते रहेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा जैसे दूध है ना वो इसके अलग हो रहा है, जैसे ही पूरा दूध अलग होगा तो मक्खन हमारा बीच में तैयार हो जाएगा। अब हमारा कोई 7 मिनट के बाद जो है देखो दूध हमारा अलग हो गया है और मक्खन जो है निकल गया है। अब इसमें हम ठंडा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत हमारा दूध से भी मक्खन निकलना होगा वो भी निकल जाएगा फिर। तो इसमें मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए मक्खन हमारा पूरी तरह से वैसे निकल चुका है। अब इसको एक दो बार और घुमा लेंगे, फिर हमारे को पता लग जाएगा पूरा। ये देखिए पूरा मक्खन निकलेगा, कितना बढ़िया मक्खन निकला है देखो। और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है इसमें, जब ज़्यादा मलाई हो तो इसी तरह से हमें निकालना चाहिए। अब हम मक्खन को निकाल लेंगे और इसके इस तरह से गोल गोल कर लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा दूध है वो सारा निकल जाए। अब इसको हम ठंडे पानी में डालते जाएंगे, जो और भी बचा है उसको भी निकालते जाएंगे
और हल्के हाथों से दबाते जाएंगे इसको, ताकि जो अंदर दूध है इसके वो सारा निकल जाए। जब इस तरह से दूध निकल जाता है ना, तो मक्खन को आप 7-8 दिन भी जैसे फ्रिज में रख दो तो स्मेल नहीं पड़ती है। देखिए मक्खन हमारा सारा निकल गया और मैंने ठंडे पानी में इसको डाल के रख दिया है। देखिए जो इसका एक्स्ट्रा दूध है वो निकलता जा रहा है। अब जो इस दूध में जो मक्खन बचा हुआ है वो हम छलनी से निकाल देंगे, क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक सा बचा हुआ है। अब जो हाथों से भी निकल जाएगा, पर जो थोड़ा भी बचा होगा फिर वो छलनी में आ जाएगा सारा। अब इसको हम इस तरह से छान लेंगे, और ये दूध जो है हमारा निकला है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे आप तो या तो दही जमा सकते हो या फिर इसका मक्खन निकाल देंगे। देखिए जो भी इसमें मक्खन है वो सारा निकल गया और दूध हमारा अलग हो गया। अब जो ये दूध है मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इससे हम पनीर निकालेंगे। आप चाहे तो दही भी जमा लें इसका, हल्का सा गुनगुना गर्म करके और दही का जाग डाल के इसमें दही जमा सकते हो, पर मैं इससे पनीर निकाल रही हूँ। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे एक बार। देखिए एक उबाली आ गई, अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हम 1/2 टेबल स्पून के अराउंड सिरका डाल देंगे। सिरका डाल दे, दही डाल दे, जो भी दिल करता है वो डाल लें, जो भी आपके पास हो। और इसको हल्का हल्का हिलाते जाएं। अब फिर इसका छेना निकल जाएगा सारा। देखिए हिलाते हिलाते अब हमारा छेना निकलना स्टार्ट हो गया है। देखिए मैं इस तरह से निकालती हूँ गैस फ्लेम ऑफ करके। आप चाहे तो फ्लेम ऑन करके भी फाड़ सकते हो इसको। देखिए कितना सारा पनीर जो है हमारा निकल गया। अब इसको हम छान लेंगे, जो पानी है वो अलग कर देंगे और जो छेना है वो हमारा छलनी में रह जाएगा। अगर तो आपको जैसे पनीर के पीसेस बनाने हैं तो फिर किसी कपड़े में डालकर इसको किसी चीज़ के नीचे दबा के रख लें। मैं इसकी भुर्जी बनाऊंगी तो फिर मैं इसी तरह से बस इसको छलनी में डाल रही हूँ। देखिए कितना पनीर निकल गया इसका हमारा। और जो ये पानी है ना, इसको भी वेस्ट ना करें, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। तो इससे हम आटा गूंद लेंगे, या फिर जैसे कढ़ी वगैरह बनती है तो उसमें भी यूज हो जाता है, पर मैं इससे आटा ही गूंदती हूँ। अब देखिए इतना पनीर हमारा निकल गया। और ये जो मक्खन है ये मैंने 2-3 बार जो है पानी में निकाल दिया, मतलब इसको 2-3 बार जो है पानी से इस तरह से धो लिया, पानी डाल डाल के, ताकि जो अंदर इसके दूध है वो निकल जाए। अब हम मक्खन को निकाल लेंगे, पानी इसका निकाल देंगे और एक डिब्बे में डाल देंगे बिना पानी के, मतलब इसको इस तरह से रख देंगे। देखिए क्योंकि यहाँ तो ठंडा है ना, तो पानी काफी ठंडा है। अगर जहां पे ठंड ना हो तो वो बर्फ डाल दें इसमें, ताकि हमारा मक्खन जो है इस तरह से सेट हो जाए पूरा। बस ये डिब्बे में डाल दिया हमने। इसको हम टाइट ढक्कन लगा लेंगे, बिल्कुल टाइट होना चाहिए इसका ढक्कन। अब इसको हम फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीजर में इसमें को हम मतलब 10-12 घंटे के लिए रख देंगे। फ्रीजर में रखने के बाद मैंने ये निकाल लिया है, काफी टाइट हो गया हुआ है। ये देखिए अब थोड़ी सी देर, घंटा भर इसको हम बाहर रहने देंगे, ताकि थोड़ा सा नरम सा पड़ जाए। तो जब इस तरह से हम फ्रीजर में रखते हैं ना मक्खन को, तो उससे हमारा जब घी निकलता है तो काफी क्वांटिटी में हमारा घी निकलता है। जब इस तरह से हम घी बनाते हैं मतलब फ्रीजर में रख के, तो इस तरह से देखेंगे अभी हम कि कितना ज्यादा हमारा घी निकलेगा। अब एक घंटा जो है बाहर रखने के बाद इसमें जो जैसे बर्फ जमी होगी ना दूध में, वो निकाल देंगे हम। देखिए जो इस तरह से जब पानी निकल जाता है इसका, तो फिर हमारे घी में स्मेल नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी दूध होगा वो जम जाएगा इसमें जो थोड़ा बहुत रहा होगा, और वो हम इस तरह से निकाल देंगे। अब मक्खन को हम कढ़ाई में डाल देंगे।
ज़्यादा क्वांटिटी में, तो थोड़ा थोड़ा हमारे को कड़छे से निकालना पड़ेगा। अब सारा मक्खन जो है कढ़ाई में निकाल दिया। अब इसको हम 3-4 मिनट हाई फ्लेम पे कर लेंगे ताकि मक्खन जो है पिघल जाए पूरी तरह से। 4 मिनट के बाद अभी हमारा मक्खन इतना ही पिघला है, तो जब तक पूरा नहीं पिघल जाए तब तक हम हाई फ्लेम रखेंगे इसकी। तो अभी इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि फ्रीजर से भी निकालना है ना, तो ठंडा भी है काफी। तो अब पूरा पिघलने देंगे इसको। अब मक्खन हमारा पूरी तरह से पिघल चुका है। अब गैस फ्लेम जो हम मीडियम कर देंगे क्योंकि नहीं तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। अब इसको पकने देंगे। देखिए 7 मिनट के बाद जो है टेक्सचर हमारा इस तरह से हो गया। ये देखिए अब ये बॉईल होने लगा है, तो इसको तो अभी काफी टाइम लगता है हमारे घी निकलने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, अभी भी वैसा ही लग रहा है टेक्सचर। ये देखिए 1 घंटे बाद हमारा टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया। ये घी निकलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया। ये देखो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाले, गाय का घी है, जैसे गाय की मलाई थी, तो पीला रंग देखो खुद ब खुद आ गया। ये देखिए अब हिलाते रहें इसको। ये देखिए जब टेक्सचर इस तरह से हो जाए तो इस टाइम हम एक पानी का जैसे थोड़ा सा छिट्टा दे देंगे, इससे जो है घी दानेदार बनता है। तो छिट्टा दे दिया और इसको हिला लें। अब बस 10 मिनट में हमारा घी जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा 1 से 1.5 घंटा तकरीबन लग जाता है घी निकालने में। अब इस स्टेज पे हमारी खुशबू आना स्टार्ट होगी। जब मक्खन ऐसे हम घी निकालते हैं ना मक्खन का, पहले तो थोड़ी मतलब स्मेल सी आती है, पर अब जब इस तरह से टेक्सचर हो जाता है तो फिर बहुत बढ़िया खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। फिर समझो कि हमारा 5-7 मिनट में जो है घी बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए घी हमारा अब बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा बस ये हल्का सा हमारा ब्राउन कलर हो जाए, ये जो एक्सट्रैक्ट निकला है जिसको मेडू भी बोलते हैं, खुरचन भी बोलते हैं। बस अब हिलाते रहे कड़छी से, वरना घी हमारा जल जाएगा। अगर जल गया फिर तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये देखिए अब इस स्टेज में हम गैस फ्लेम ऑफ कर लेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई भी गर्म होगी ना, फिर गर्म कढ़ाई से फिर ओवर कुक हो जाएगा। तो अभी हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है घी निकल के तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा होने देंगे फिर निकाल लेंगे। तब तक जो एक्सट्रैक्ट है ये भी नीचे बैठ जाता है फिर हमारा। देखिए थोड़ा ठंडा होने पे घी हम निकालेंगे। घी निकालने में हमारे को 1 घंटा 20 मिनट लग गए पूरे। इससे ज्यादा भी लग सकता है टाइम, पर इससे कम नहीं लगेगा, इतना टाइम हमारे को लगता ही लगता है। अब इसको हम छान कर किसी डिब्बे में निकाल देंगे। जो घी ऊपर ऊपर है उसको तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे और डिब्बे में डाल देंगे। ये देखिए ऐसे। तो लीजिए हमारा प्योर घी बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।